वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नदर ब्लॉग में। तो आज के हम बहुत ज़्यादा पतंग उड़ाने वाले हैं, क्योंकि इतना टाइम बाद पतंगबाजी का दिन आ चुका है फाइनली। और यहाँ पे देखते हैं, मैं अपनी पतंगे भी लिया है, पतंगे और चरखे मैंने ला के रख रखे हैं छत के ऊपर ही, पतंगे चरखे लिया सब हैं। पर उससे पहले मुझे पतंगबाजी करने से पहले घर में कोई है नहीं, तो मुझे इनको मेरे जानवर है मासूम मासूम से खरगोश और तोते, इन्हें पहले खाना पानी करना है, फिर बाद में पतंग उड़ाएंगे। तो फिर खाना पानी खिलाकर आते हैं। तो गाइस यार, मैं छत पर तो आ चुका, मैंने दाना पानी भी सब कर दिया तोतों का जानवरों का। पर यार मैंने देखा कि यहाँ पे तो हवा ही नहीं है भाई, देखो सब जगह हवा ही नहीं है भाई, पतंगे वतंगे तो उड़ रही हैं हल्की, हवा बहुत हल्की है, देखो झंडा तो हिला हल्का हल्का, पता नहीं कैसे हिल गया, अभी तो भाई हवा थी नहीं यार। पर कोई नहीं, चलो अब हवा चल के तब हम भी उड़ाते हैं पतंगे। तो पतंग मैं बिल्कुल रेडी कर रखी है, कन्ने ने सब बांध लिया, उसके मांझे ने सब धुल लिया चरखी में, चलो अब पतंग उड़ाते हैं। ये देखो ये है हमारी छत, यहाँ से मैं उड़ाता नहीं हूँ क्योंकि मुझे यहाँ से डर लगता है, तो मैं यहाँ से उड़ाऊंगा ऊपर जाके, क्योंकि मेरी छत नहीं है, बराबर वाली की छत है, तो इनसे हमारी जान पहचान। भाई देखो मैं पतंगे लेकर ऊपर आए, सामने देखा भाई हवा ही रुक गई भाई, पूरा झंडा रुक गया हिलना, पूरी हवा बंद हो गई भाई चलनी, अब क्या करूँ मैं, एक बार पतंग तोड़ ली आसपास में, पर हवा नहीं है बिल्कुल भी। तो आज अब मैं ऊपर तो आ चुका हूँ, देखो चरखे की मांझे सब तैयार कर लिया, पहले नीचे तब मैं ऊपर आ गया उड़ाने, अब तो उड़ाते हैं, लिसा आसमान बिल्कुल साफ है। तो यहाँ पर यार देखो पतंग उड़ चुकी है मेरी, वो भी बिल्कुल सामने छोटी सी दिख रही है ना, बस कैमरे में जूम इन को तो दिखती नहीं है, ले और ये सामने छोटी सी, सारा मांझा लगा दिया मैंने, बस ये सदी सदी बची हाथ पे, तो अब लंबी करके पेच लड़ाएंगे इस बार। यार बहुत ही बुरा हुआ, एक पतंग लड़ाई थी वो कट गई यार, सारी डोर जा रही है आगे तक, अब डोर लपेटनी है मुझे आराम से बैठ के, यार पतंग भी कट जाती है, सबसे ज़्यादा बुरा लगता है लपेटते टाइम, उसको लपेटो आराम आराम से खींच खींच के। तो गाइस यार तीन पतंगे लाया था, अब ये लास्ट बचे, दो कट गए लगातार, तो बड़ा बुरा लग रहा है यार, मांझा निकालना पड़ेगा। मैं अभी पिछले साल वाले मांझे तो चरखी में चढ़ा हुआ उसी से उड़ा रहा था, पर दो कट गई लगातार, तो मुझे लगता है अभी तो इसी से उड़ा रहा हूँ जो पिछले साल का बचा हुआ है। तो अब अगली बार जब उड़ाऊंगा ना, उस टाइम लेकर आऊँगा नया वाला मांझा, जो रखा हुआ है मेरे पास पिछले साल का रखा हुआ बचा बहुत सारा, तो अगली बार लाऊंगा तो उड़ाएंगे। ठीक है, तो एक साथ व्लॉग को यहीं पर एंड करते, मेरी फाइनली तीनों पतंगे कट चुके हैं बहुत ही बुरे तरीके से, अब मैंने पैकअप कर लिया बिल्कुल, तो अब चलते हैं और व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। बाय बाय।